हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पार्थस ब्लॉग। सो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं हम लोग का अंडमान टूर का लास्ट पार्ट में, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा मेरा नील आइलैंड घूमने का एक्सपीरियंस, और मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा मेरा फुल टूर में कितना बजट रहा और कितना दिन बेस्ट रहेगा अंडमान टूर के लिए, और मेरा टूर गाइड का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से भी आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में जाके टूर गाइड से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, जो टूर गाइड के थ्रू मैं गया था। सो दोस्तों, ये था मेरा सिक्स डे अंडमान में। सो मैं हैवलॉक से मॉर्निंग को निकल गया था, उसके बाद पहुँच गया करीब 9:30 से 10 बजे अंडमान का नील आइलैंड जो है उसमें हम लोग पहुँच गए थे। वहाँ से मुझे मेरा जो टूर प्लानर था वहाँ पे गाइड आया था, वो लोग हम लोग को रिसीव करके हम लोग का जो होटल था वो था एक्वास नील प्लाजा, उसमें हम लोग को ड्रॉप कर दिया। और दोस्तों, मैं जिस शिप से आया था, जो पैसेंजर शिप से आया था हैवलॉक से नील आइलैंड, उसका नाम था ग्रीन ओशन। बहुत ही अच्छा शिप था, बाहर एक ओपन डेक था, उधर डीजे वगैरह था, तो वहाँ पे बहुत कोई एंजॉय भी कर रहा था, डांस वगैरह कर रहा था। मेरा वाइफ भी बहुत डांस वगैरह उधर किया है, और यहाँ से जो ओपन डेक है इधर से पूरा सी का बहुत ही बढ़िया व्यू मिल रहा था। सामने आप लोग देख सकते हो छोटा छोटा आइलैंड है, और ये व्यू जो देख पा रहे हो, अभी हम लोग नील आइलैंड में पहुँच गए तो शिप से निकल के उसके बाद हम लोग जब पहुँचे उतर के ये व्यू है नील आइलैंड का। पानी और भी ज़्यादा ब्लू है, सबसे ज़्यादा ब्लू मुझे नील आइलैंड का ही लगा पानी। सो उसके बाद हम लोग कैब से आ गए हम लोगों का होटल, जिसका नाम था एक्वास नील प्लाजा। बहुत ही खूबसूरत था होटल, एज यूजुअल पहले जो दो होटल मिला था हम लोगों को पोर्ट ब्लेयर एंड हैवलॉक में, वो भी बहुत ही खूबसूरत था, और ये वाला जो नील आइलैंड वाला जो होटल था वो भी बहुत अच्छा था। तो हम लोगों जो टूर ट्रेवल प्लानर था वो बहुत अच्छा अच्छा होटल बुक किया था, और हम लोग का भी डिमांड था कि जैसा होटल चाहिए हम लोग को वैसा ही हम लोग को होटल मिला था। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश होके तुरंत ही बाहर निकल गया था, क्योंकि मैं अंदर आने के टाइम ही होटल का बाहर का व्यू थोड़ा देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैं एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा होटल से बाहर आ गया था। सो ये हम लोग का होटल रूम के बाहर का व्यू है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शांत है, सामने सी व्यू है जो आप लोग देख सकते हो। इधर से सामने चल के जाना पड़ता है, थोड़ा एक मिनट चल के जाने के बाद ये एक प्राइवेट बीच है, ये होटल का ही प्राइवेट बीच है। यहाँ पे सामने बैठने का भी जगह दिया हुआ था, और आप लोग चाहोगे तो इधर भी कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो। हम लोग हैवलॉक में कैंडल लाइट डिनर किए थे, तो इस इधर नहीं किए थे, तो आप लोग चाहोगे तो यहाँ पे भी कैंडल लाइट डिनर होता है। ये एकदम पूरा एकदम सी व्यू के इधर ही होता है, बीच के ऊपर बहुत ही अच्छा प्लीजेंट माहौल था, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। उसके बाद हम लोग तुरंत फ्रेश होके लंच करके निकल गए थे भारतपुर बीच के लिए। वो बीच भी बहुत ही खूबसूरत है, ये अभी हम लोग भारतपुर बीच में हैं। जहाँ भी आप लोग देखोगे, जिस तरफ ही देखोगे उधर ही आपको नीला दिखेगा, एंड यहाँ पे सैंड भी पूरा वाइट है, पूरा फॉरेन जैसा बीच वगैरह है इधर का। यहाँ पे फॉरेनर्स लोग भी बहुत, फॉरेनर लोग भी इधर घूमने आया हुआ है। ये तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ब्लू पानी लगा नील आइलैंड का ही, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा सबसे ज़्यादा ब्लू आप लोग कौन सा पानी लगा। आप लोग ये बीच का व्यू देख सकते हो कितना शानदार है,
बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को ये भरतपुर घूम के। इसके बाद हम लोग इधर से करीब 3 बजे निकल गए थे नेचुरल रॉक के उधर, जो लक्ष्मणपुर बीच वन भी बोला जाता है, तो हम लोग उधर के लिए निकल गए थे। वहाँ पे हम लोग को दिख सकते हो आप लोग नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है उधर। सो हम लोग यहाँ से थोड़ा लंच वगैरह करके निकल गए थे लक्ष्मणपुर बीच वन के लिए, जो नेचुरल रॉक के लिए भी जाना जाता है। वहाँ पे आप लोग नेचुरल रॉक ब्रिजेस वगैरह देख सकते हो, जो नेचुरल रॉक से ब्रिज बना हुआ। अभी हम लोग आ गए लक्ष्मणपुर बीच वन में, जिसको नेचुरल रॉक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इधर आप लोग देख सकते हो, सामने जितना जाऊंगा यहाँ पे सारा रॉक्स वगैरह है। ये पत्थर टूट के ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया बहुत सारा। यहाँ पे आप लोग सामने देख सकते हो, यहाँ पे छोटा छोटा सारा ब्लैक स्टोन पत्थर जैसा है। हम लोग इधर से सामने की तरफ चल के गए थे, यहाँ पे बहुत सारा रॉक्स जैसा है, बहुत डेंजर जैसा है। इधर चलने में भी बहुत दिक्कत हुआ था हम लोगों को, लेकिन जैसे तैसे हम लोग चल के चले गए थे। और ये भी एक डर था गिर ना जाए, इसलिए थोड़ा पकड़ पकड़ के संभल के जाना पड़ता है इधर से। वो अच्छा व्यू के लिए तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ के चले गए। ये अभी आप लोग देख सकते हो, यही है जो नेचुरल रॉक ब्रिज है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा फोटोज़ वगैरह भी क्लिक किए थे। यहाँ पे सामने फॉरेस्ट वगैरह है, बहुत ही खूबसूरत फोटोजेनिक जगह है। ये देख सकते हो आप लोग, सब ये बड़ा बड़ा पत्थर जैसा है। यहाँ पे बहुत सब कोई फोटो खींच रहा था, लेकिन बहुत डेंजर है। यहाँ पे जो गाइड था इधर एक, और बोल रहा था ये ब्रिज के नीचे से जाने के लिए मना कर रहा था, बिकॉज बहुत पुराना हो गया, टूटने का भी चांसेस है। सो यहाँ पे हम लोग करीब आधा घंटा से 45 मिनट्स तक हम लोग रहे थे, क्योंकि इधर सामने जो बीच का जो रास्ता है, जहाँ से हम लोग को नीचे उतरना पड़ता है गाड़ी से उतरने के बाद, उधर से थोड़ा डिस्टेंस है ये जो नेचर। ये सामने जो आप लोग ब्रिज जैसा फॉर्मेशन देखे थे पत्थर से, वो थोड़ा डिस्टेंस में है, तो हम लोग को उधर से चल के जाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे करीब 5 बजे लक्ष्मणपुर बीच 2, जहाँ पे आप लोग सनसेट वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे बहुत लोग आता है स्पेशली सनसेट देखने के लिए ही। सो हम लोग एकदम प्रॉपर टाइम में आए थे, तो अच्छा सनसेट हम लोग देख पाए थे। अभी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा है। इसके बाद लास्ट डे जो था, उस दिन हम लोग गए थे चिड़िया टापू। ये ना कि पोर्ट ब्लेयर में है, ये लास्ट दिन हम लोग जब नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर चले गए थे, उसके बाद लास्ट दिन का जो हम लोगों का डेस्टिनेशन था ये चिड़िया टापू था। यहाँ पे हम लोगों का कैब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए हम लोग जस्ट एंड में ही पहुँचे थे, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे करीब बंद हो जाता है और परमिट नहीं मिलता है, परमिशन नहीं देता है। तो हम लोग पहुँचे ही थे करीब 4:15 को, तो हम लोगों को आधा से उन्हें एक घंटा घूमने के लिए मिला था। यहाँ पास में एक ज़ू भी है, जहाँ पे बहुत सारा बर्ड्स वगैरह भी दिखता है। हम लोग उसमें गए नहीं थे, क्योंकि टाइम हो गया था ऑलरेडी। यहाँ से भी बहुत अच्छा सनसेट का व्यू मिलता है, लेकिन एक्चुअली क्लाउडी वेदर हो गया था, तो बहुत बादल आ गया था, इसलिए अच्छे से सनसेट का व्यू हम लोग देख नहीं पाए थे। लेकिन चिड़िया टापू में बहुत सारा अच्छा व्यू है, आप लोग जाओगे उधर बहुत सारा फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हो।
उसके बाद हम लोगों का अंडमान का जो टूर था ख़त्म हो गया था। हम लोग नेक्स्ट दिन घर के लिए रिटर्न कर गए थे। सो दोस्तों, ये पूरा टूर में जो मेरा बजट लगा वो था 1,60,000। कपल टूर था, लग्जरी टूर था, इसलिए थोड़ा बजट मेरा ज़्यादा लगा। आप लोग इससे भी कम बजट में जा सकते हो, क्योंकि जो टूर प्लानर है मेरा अंडमान वर्ल्ड ट्रैवल करके, वो अंडमान बेस्ड ही है यो कंपनी, तो आप लोग उसके थ्रू भी जा सकते हो। आप लोगों को 50,000 से 1,00,000 तक का पैकेजेस मिल जाएगा फॉर कपल। और आप लोग जैसे वो लोग को बताओगे, जैसे आप लोग प्लान करोगे आपका टूर, फैमिली हो जैसे हो, ये लोग अच्छे से आप लोगों को प्लान करके देगा। तो आखिर में दोस्तों यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को अंडमान जाना है तो आप लोग जाइए अक्टूबर से मार्च के बीच में, वही वेदर सबसे बेस्ट रहता है अंडमान के लिए। आप लोग को अगर फ्लाइट से जाना है, आप लोग जा सकते हो कोलकाता से, चेन्नई से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाता है। शिप वगैरह भी मिलता है, पैसेंजर शिप आप लोग को मिलेगा चेन्नई और कोलकाता से ही, लेकिन वो मंथ में एक बार ही रहता है और टाइम भी कम से कम 50 आवर्स रहता है। सो फ्लाइट से जाना सबसे बेस्ट है। आप लोग 2-3 महीना पहले ही फ़्लाइट का टिकट बुक करके रखिएगा तो आप लोगों को सस्ता मिल जाएगा, एटलीस्ट 5,000 to 8,000 में मिल जाएगा। लेट करिएगा तो 10,000 to 12,000 तक पड़ जाएगा। तो कम से कम 5 to 6 days का जर्नी रखिए, प्लान रखिए, तो आप लोग अच्छे से अंडमान फुल घूम पाओगे। और प्लान ऐसे कीजिए कि एटलीस्ट 1 दिन पोर्ट ब्लेयर, 1-2 दिन हैवलॉक कर लीजिए, 1 दिन नील आइलैंड कर लीजिए और 1 दिन पोर्ट ब्लेयर कर लीजिए आने के दिन, तो आप लोगों को बेस्ट देखने के लिए पूरा मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मेरा ब्लॉग को एंड करता हूँ। गुड बाय और सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ वीडियो काटते एंड गुड बाय।